हेलो फ्रेंड्स, सुनीता स्टिक में आप सबको स्वागत है। आज हमारे किचन में बनने वाला आलू का नाश्ता, उबले आलू से मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो बाइट्स, जिसके लिए मैंने चार उबले आलू ले लिए हैं छिलका उतार के इस तरह से। ये मैंने चावल का आटा लिया है 1 कप, चिली फ्लेक्स लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1/3 टीस्पून नमक, 1 स्पून काले मिर्च का पाउडर, पिज्जा मिक्स है, कसूरी मेथी है, फाइन ऑयल। सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेंगे इस तरफ से, इसको कद्दूकस करेंगे। सारे आलू को आपको कद्दूकस कर लेना है। सारे आलूओं को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पानी यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपको लगे कि डो बनने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कर सकते हैं, सूजी या चावल का आटा जो भी ऐड कर रहे हैं। इसमें पानी का ऐड मत कीजिएगा, पानी से मत इसको लगाइएगा। इसका डो टाइप का हमें बनाना है, थोड़ा सा स्टिकी ना हो इस तरह का डो बनाना है। अगर हमको ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा आटा इसमें और ऐड करेंगे चावल। थोड़ा सा चावल का आटा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ ताकि ये स्टिकी ना रहे। आलू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका आलू और सूखा है कि गीला है। मेरा आलू थोड़ा सा गीला टाइप का था, उसकी वजह से ज़्यादा आटा लगा है। अगर अच्छा आपने आलू आपका है तो कम आटे में भी हो सकता है। ये और हाँ, साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आलू छोटा है कि बड़ा है। साइज़ पे भी डिपेंड करता है आपको कितना ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे डो टाइप का बना लिया है। चलिए अब इसको आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले तेल डाल देते हैं कढ़ाई में और चढ़ा देते हैं गैस पे गर्म होने के लिए। मैंने इसको ऑन कर दिया है गैस को। थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया है इस तरह से, थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि चिपके नहीं आलू आपका। और इस तरह से चकले पे रख के उसको थोड़ा सा शेक दे दीजिए, इस तरह से कर दीजिए। आप चाहें तो गोल गोल भी इसको बना करके डाल सकते हैं बॉल की तरह। मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, गोल बनाइए, चाकोर बनाइए, कैसा भी बनाइए, आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। ऐसे फ्लेम पे ही रख के बनाइएगा क्योंकि ये आलू है
गोल्डन फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन तक होने, क्रिस्पी होने तक ब्राउन कर लीजिएगा। कुछ देर तक मत चलाइएगा, थोड़ा सा ये सेट हो जाए उसके बाद आप इसको चलाइएगा, क्योंकि आलू का है, हो सकता है कि फट जाए। हमारे बाइक्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब किसी पेपर नैपकिन पे और किचन टॉवल पे ही आप इसको रखिएगा, क्योंकि इसमें जो घी होगा वो निकल जाएगा, तेल जो है। एक्स्ट्रा ऑयल इसमें निकल जाता है, इसलिए रखा जाता है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बाइक्स। इसी तरह से हम बचे हुए जो बाकी है उसको भी डाल देते हैं। शुरू में कुछ देर आपको नहीं इसको टच करना है, जब ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद आप इसको चला सकते हैं। आप इसे अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमारा पोटैटो वाइट्स बनकर के तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।